नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको रोज की तरह कई आपके नुस्खे, कई टोटके, कई उपाय बताता हूँ, जिससे आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाए और आपकी समस्याओं का हल हो जाए। ऐसा ही एक उपाय आज फिर मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, आदमी इस धरती पर आता है और वह दुख और सुख अपने साथ लेकर आता है, और उसको इसी जीवन में सब कुछ देख कर जाना है, और अपने कर्मों का फल भी उसको यही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, दुख और सुख जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, और कोई किसी का दुख कम ज्यादा नहीं कर सकता, सिवाय सांत्वना के। लेकिन कुछ लोग दूसरों के सुख को देखकर ज्यादा दुखी होते हैं, और सुखी व्यक्ति को पीछे करने के लिए टोने टोटके या उपाय करते हैं, और उनको दूसरों की खुशी गवारा नहीं होती, और वो जादू टोने टोटके का सहारा लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको भी जा अपनी परेशानी से बाहर निकलना है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ, आपको इसके लिए करना क्या है। दोस्तों, शनिवार के दिन सुबह के समय 5 से लेकर 6 बजे तक किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक कागज पर उस व्यक्ति का नाम लें जो आपको परेशान कर रहा है। उसके ऊपर, कागज के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखें, और उसमें 2 कपूर की टिकिया रख कर उस कागज को आग लगा दें। कागज को आग लगाने के बाद आप प्रभु प्रार्थना भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी सभी परेशानियों का हल करें और मेरे दुखों को दूर करें। तो आपकी परेशानियां जरूर हल होंगी, आपकी समस्याएं सभी हल हो जाएंगी। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर और अचूक टोटका है, आप इसे करें और अपनी परेशानियों को हल करें और अपने दुखों को दूर करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो दोस्तों, ये था आज का टोटका, जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोई काम नहीं करना है, थोड़े से ही कार्य से आप अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं एक नया नुस्खा लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।